हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ 26 जनवरी के मौके पर आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाती है और एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बनती है। तो आइए चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनाना है तो उसके लिए देखिए, 2 बड़े कप मैंने पानी डाल दिया कढ़ाई में और ये 1.5 कप के करीब मैं इसमें शुगर डाल दूँगी और गैस ऑन कर दूँगी। और कुछ इलायची ले लूँगी इसमें 2-3 और उसको ऐसे कूट के और उसका छिलका हटा के इसमें डाल देंगे, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारी गुलाब जामुन में। और शुरू में इसको थोड़ी 1-2 मिनट चला लेना है ताकि ये ना तले में लगे नहीं शुगर। और इसमें 4-5 धागे में केसर के डाल दूँगी तो इससे कलर भी अच्छा आएगा हमारे गुलाब जामुन का। और इसको चलाते रहना है जब तक ये शुगर मिल्ट ना हो, फिर अपने आप से ये उबलती रहेगी, बन जाएगी। बहुत फटाफट से बनती है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब तक ये उबले हो, जब तक हम क्या करेंगे, ये प्रीमिक्स से बना रही हूँ मैं, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये देखिए, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के भी डाल दिए इसमें और देखिए कितना ये रेडी हो गई और कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसको हम गैस को बंद करके इसको ढक के रख देते हैं। अब इधर देखिए, ये प्रीमिक्स का इसके ना ये जो गांठें पड़ती हैं वो एकदम से हटा लेंगे हम और गुनगुने दूध के साथ इसको बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा दूध करके और गीला आटा लगाना है हमें, इसका टाइट आटा नहीं लगाना। जैसे हम आलू के पराठे का, जो भी स्टफ पराठे का आटा लगाते हैं ना, थोड़ा ढीला लगाते हैं, उसी तरह का इसका आटा लगाएंगे हम। ढीला आटा लगाने का मतलब है कि ये हम जैसे फटेगी नहीं गुलाब जामुन, टाइट लगाएंगे तो इससे गुलाब जामुन फट जाती हैं, ऐसे ढीला ढीला। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के और इसको हल्के हाथों से फिर से मसल लेंगे हम। और इससे क्या, घी डालने से ये जो चिपक रहा है ना इसमें बर्तन में, वो सारा निकल जाएगा। ऐसे धीरे धीरे हटाएंगे तो इस तरह से हल्के हाथों से बनाना, इस तरह से ले लेना है। और ये देखिए एकदम से साफ हो गया ना बर्तन, ये हमारा दो तैयार हो गया। इधर हम कढ़ाई में क्या करेंगे, ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो या देसी घी भी डाल सकते हो, मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब इसको हम पहले गर्म कर लेंगे और फिर ठंडा हल्का सा रूम टेम्परेचर पे फिर इसको गुलाब जामुन को डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी डो की हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे इस तरह से। छोटी छोटी तोड़ेंगे नहीं तो ना ये जैसे बनाएंगे तो ये ट्रिपल हो जाती हैं, फूल के चाशनी में डालते हैं ना तो 3 गुना बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं और दोनों हाथों से ऐसे इसको गोल गोल, हल्के हाथों से करना है गोल गोल इस तरह से। तो कईयों के कमेंट्स आते हैं कि ये कहाँ मिलता है, तो ये जनरल स्टोर पर मिल जाता है और सब जगह ही मिल जाता है आजकल ये प्रीमिक्स, कोई भी ले सकते हो आप। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तेल, तो अब इसमें हम धीरे धीरे सारे गुलाब जामुन डाल देते हैं, जितना आए उतने एक डाल देते हैं इसमें इस तरह से। देखिए गैस मैंने ऑन करके और बिल्कुल सेम आंच पे कर रखी है उसको, और ऐसे धीरे 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 गुलाब जामुन को छेड़ेंगे नहीं हम, बस ऑयल को ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये अपने आप ही उलट पलट के और कलर भी आता रहेगा। धीमी आंच से क्या है कि अंदर तक अच्छे से सिकेंगी ये, तेज आंच में करेंगे तो ऊपर तो अच्छा डार्क कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ना ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इनको धीमी आंच पे भी ये बहुत जल्दी पक जाती हैं और बहुत ही जल्दी अच्छा सा कलर आ जाता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ऐसे ही करके इसको हम बना लेते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, तो अब ये हम निकाल लेते हैं इस तरह से।
ये दूसरा बैच भी डाल देते हैं और खूब सारी बन जाती हैं, एक पैकेट में काफ़ी बन जाती हैं। ऐसे ही कर करके इनको हम सेक लेते हैं। अब ये शुगर सिरप मैं दूसरे बर्तन में ले लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन छोटा है, इसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो और ज़्यादा बड़ा चाहिए ना हमें बर्तन, इसलिए। तो ये देखिए दोनों बैच निकाल लिए मैंने और ये एकदम तैयार हो गई, शुगर सिरप में डाल दिए। ये देखिए इसको भी निकाल लेते हैं, यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसी। अब ये देखिए इसमें डाल ली मैंने सारी गुलाब जामुन, कितनी सारी बनी है आप खुद देख सकते हो। अब एक चम्मच से क्या करेंगे, इनको थोड़ा डुबो देंगे ताकि ऊपर तक इसमें शुगर सिरप आ जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक के आधा घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटे के बाद देखिए ये हमारी गुलाब जामुन एकदम से तैयार है खाने के लिए। एकदम देखिए कितनी साइज में भी डबल ट्रिपल हो गई है, देखिए आप ट्रिपल साइज हो गया इनका, और इतनी यम्मी बनी है आपको क्या बताऊं, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। आप ज़रूर बनाना ये, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए बहुत ही टेस्टी फटाफट से बनने वाली गुलाब जामुन तैयार है।